अरे बंदर राजेंद्र है। राजेंद्र जी, किस तरह से हादसा हुआ सर? ये बंदर थे भाई, रोड क्रॉस कर रहे थे और जैसे बाइक वाला बिछड़ गया, वो पिकअप लगी नीचे गिर गए, बस कंट्रोल नहीं हुई, एकदम से पिकअप वाले ने जाम बना दी गाड़ी आगे। तो किस साइड से आप आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? चंडीगढ़ से सरसा जा रही थी। तो बस में सवारियां वगैरह भी थी? हाँ, सवारियां। तो कितने बजे हादसा हुआ सर? अभी हुआ, 10-15-20 मिनट। तो एग्जैक्ट आगे बंदा एकदम से हादसा अनबैलेंस हुई है बस सारी? बस नहीं, अनबैलेंस नहीं हुई जी, पिकअप वाले ने एकदम से बीच में जाम बनाया तो गाड़ी उसमें लगी। तो मेरे पीछे गाड़ी थी, मैं उनके बचाने के चक्कर में एकदम मैं भी नहीं, पूरी हार्ड ब्रेक नहीं ले सकता था। तो मोटरसाइकिल पूरा का पूरा आ गया नीचे पिकअप पे? पिकअप के नीचे फिर दोबारा से आया, और जैसे पिकअप लगी है नीचे गिर गया था, नीचे गिरने के कारण जैसे बस लगी है, मोटरसाइकिल आया खाली उसके नीचे। तो डेथ भी हुई है किसी की? एक बंदे की डेथ हुई मोटरसाइकिल, बाइक सवार, बाइक के पीछे था जो, जो चला रहा था सेफ है। हाँ, बस के ड्राइवर। हम भाई सर ना के समीर कैद फतेहबाद से, मैं कम से कम 1 घंटा प्लस हो गया होगा इस बंदे को यहाँ पे इसी हालात में पड़े हुए, ना तो कोई एम्बुलेंस ले गई, ना कोई पुलिस प्रशासन आई यहाँ पे। अब इस रोड के ऊपर बने कितने हादसे होते हैं यार, पुलिस प्रशासन देख ही नहीं रही आदमी को, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब इसके अंदर से पिकअप वाला भी है, ये बस वाला भी है, इस पिकअप वाले ने इसके आगे ब्रेक मारी और बस वाले ने इसके पीछे से ठोक दी। अब ये पिकअप वाला गुनहगार है या फिर वो बस वाले गुनहगार हैं, अब ये तो नहीं पता। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आ रहे हैं 10 मिनट में, आ रहे हैं 20 मिनट में, आ रहे हैं, अभी तक 2 घंटे होने हो जाएंगे कि वो बंदा ख़त्म हो गया, कि जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बताओ कि क्या करें इसके लिए।